Hey Diane, good evening everybody. Good evening. I'm so sorry कि फिर से एक technical glitch आ गया था OBS में and streaming start नहीं हुई half an hour तक. And good evening everybody, my dear. I hope I'm audible and visible right now. And I really appreciate your patience कि आपने यहाँ पे class में बैठ के wait किया है. And I'm really thankful for that. Please let me know once I'm audible and visible. Please जल्दी से मुझे बता दीजिए कि I'm audible and visible. And I really hope कि अभी तो आपकी streaming आपको मैं दिखाई भी दे रही होंगी और सुनाई भी दे रही हूँ क्योंकि मेरे सेल फोन में स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो चुकी है. एंड यस प्लीज माय डियर लेट मी नो फर्स्ट जल्दी से मुझे बता दीजिए कि यस मैम यू आर ऑडिबल एंड विजिबल ताकि हम आगे की प्रोसेस स्टार्ट कर सकें. यस माय डियर जितने भी बच्चे हमें लाइव देख रहे हैं फटाफट से हमें इन्फॉर्म कर दीजिए कि यस मैम यू आर ऑडिबल एंड विजिबल. एंड वंस अगेन गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ज्योति शर्मा सेशन. एंड आज OBS का प्रॉब्लम की वजह से स्ट्रीमिंग स्टार्ट नहीं हुई. And I'm so sorry for that. Yes, am I audible? Jaldi se give me thumbs up and please come right in the comment box. Yes, ma'am, you are audible and visible. Mujhe bachcho ka yahan pe thumbs up bahut zaruri chahiye. Yes, this is very very important for me. Jaldi sare bachche bata. Chaliye fir start karte hain. Tab tak aap join kariye. Tab uske pehle hum start kar lete hain. So this is me, Jyoti Sharma, your biology educator. My name is Jyoti Sharma. This is all about my experience and my qualification, my achievement. I have qualified at exam examination. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आगे की बातें. तो अगर अभी तक आपने मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है माय डियर तो जल्दी से जाके मुझे फॉलो कर लीजिए. दिस इज माय प्रोफाइल. माय प्रोफाइल इज यू नो ज्योति शर्मा के नाम से वहाँ पर है नीट यूजी कैटेगरी में. अगर फ्री स्पेशल क्लास में जाओगे तो आपको मेरी वहाँ पर प्रोफाइल मिलेगी. आपके डिस्क्रिप्शन में भी मेरी प्रोफाइल का लिंक दिया हुआ है. अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाकर उधर फॉलो कर लीजिए क्योंकि अगर आप फॉलो करते हैं तो मेरी सारी की सारी फ्री स्पेशल क्लासेस का आपको नोटिफिकेशन वहाँ पे आने लग जाएगा और मेरी सारी फ्री क्लासेस में आपको एंट्री भी मिल जाएगी. फ्री क्लासेस अटेंड करने के लिए आपको एक कोड मांगा जाता है. अगर आप नए हैं अभी तक आपने अनअकैडमी का स्पेशल क्लास नहीं लिया है तो जल्दी से आप अपना लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए अपने सेलफोन में और आप फ्री स्पेशल क्लास में नीट यूजी गोल्ड और कैटेगरी में अगर आप ये कोड डालते हैं तो मेरी सारी स्पेशल क्लासेस रिकॉर्डेड और लाइव जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगी वो भी फ्री में. ओके डियर यस आई गेस आई एम ऑडिबल एंड विजिबल. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. और आज का सेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. पहली बात तो ये है कि हम यहाँ पे नीट 2022 को टारगेट कर रहे हैं. तो जितने भी बच्चे हमारे प्यारे प्यारे बच्चे 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं 23 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सभी का मोस्ट वेलकम है. वेरी वार्म वेलकम टू माय दिस सेशन क्योंकि ये सेशन काफी अमेजिंग होने वाला है. अमेजिंग इसलिए होने वाला है क्योंकि सबसे बेसिक सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इजी एंड कॉम्प्लेक्स दोनों जो है उस पूरे की पूरे यूनिट को पूरे के पूरे चैप्टर को हम यहाँ पे करने वाले हैं. एनिमल किंगडम का आज हमारा पहला सेशन है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सेशन फर्स्ट हमारा स्टार्ट होने जा रहा है. अगर अभी तक किसी बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए. अपने दोस्तों को भी इन्वाइट कर लीजिए क्योंकि अगर आप अपने दोस्तों को इन्वाइट कर लें तो सभी की यहाँ पे बहुत ही हेल्प होने वाली है. हम पूरा एनसीईआरटी के बेस पर ये चैप्टर जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे. आई रियली होप कि अब ये चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा. एंड वंस अगेन प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स आई एम ऑडिबल एंड विजिबल क्योंकि मुझे कई बार पता ही नहीं लगता है. मैं बोलती रहती हूँ मुझे नहीं पता लगता है कि हम ऑडिबल एंड विजिबल. तो चलिए हमारा टॉपिक आज का जो है वो बहुत ही खास बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एनिमल किंगडम जो है हमारा टॉपिक का नाम है. वंस अगेन एनिमल किंगडम. तो यहाँ पे डियर हम क्या क्या करने वाले हैं. सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये आपको बताएंगे कि हम यहाँ पे क्या क्या कवर करने वाले हैं. तो लेट यस ओके सो फर्स्ट टॉपिक जो है हम यहाँ पे कवर करेंगे. सबसे पहले एनिमल किंगडम हम क्या पढ़ते हैं. बेसिकली हम एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं पूरा क्लासिफिकेशन राइट. हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं. उसी क्लासिफिकेशन में आप सोचोगे कि मैडम क्लासिफिकेशन किसका पढ़ते हैं. हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं सारे के सारे एनिमल्स का या फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का जो कि एनिमल अपने आप को कहलाते हैं. एनिमल जैसे कि प्लांट हो गया. प्लांट अपने आप में किंगडम है. फंगाई किंगडम है. मोनेरा किंगडम है. प्रोटिस्टा किंगडम है. ऐसे ही एनिमल भी एक किंगडम में पूरे एनिमल्स को एक किंगडम में रखा गया था. फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा. आर एच विटेकर ने दिया था. तो यहाँ पे पूरे एनिमल्स का हम क्लासिफिकेशन करते हैं. क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है वो डिफरेंट टाइप का बेसिस है. लाइक किससे बॉडी बना हुआ है. बॉडी सेल्स का बना हुआ है या फिर बॉडी टिश्यू का बना हुआ है या फिर बॉडी ऑर्गन्स का बना हुआ है. इसके अलावा उसमें कौन सी सिमेट्री मिलती है.
उसमें सिलोम प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, वो कितनी उसकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कितनी जर्म लेयर से है, उसमें किस टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है, ओपन मिलता है, क्लोज मिलता है, या फिर उसकी बॉडी के अंदर जो ओपनिंग है वो सिंगल ओपनिंग है या डबल ओपनिंग है, तो सारी चीज़ों को स्टडी हम यहाँ पे करने वाले हैं। और उन्हीं बेसिस पर पूरे एनिमल किंगडम में जितने भी एनिमल्स हैं उनको डिवाइड किया गया है, उनको डिफरेंट डिफरेंट फाइलम में रखा गया है। तो बेसिकली एनिमल किंगडम में हम यहाँ पे फाइलम स्टडी करने वाले हैं, बहुत सारे बच्चों को पता होगा। यस माय डियर, गुड इवनिंग रजनीकांत जी, गुड इवनिंग, वेरी वार्म वेलकम एंड वेरी गुड इवनिंग। तो यहाँ पे हम सारे के सारे फाइलम्स को स्टडी करने वाले हैं। अच्छा, एनिमल्स की हम कुछ खास फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो बहुत ही बेसिक है। तो सबसे पहले अगर हम एनिमल्स के खास फीचर्स के बारे में बात करते हैं, पहली बात तो ये है कि एनिमल जो होते हैं वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं, इस बात से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, राइट? हेटरोट्रॉफिक होते हैं। हेटरोट्रॉफिक का मतलब क्या, माय डियर, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि यहाँ पे जो मैंने एक वर्ड लिखा है हेटरोट्रॉफिक, इसका मतलब क्या है। हेटरोट्रॉफिक का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म, वो इंडिविजुअल जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, मतलब किचन में जाके तो हम खुद ही खाना बनाते हैं ना, नहीं है बात यहाँ पे किचन में जाने की नहीं है, माय डियर। हाय एडुगेमर। तो यहाँ पे एनिमल्स जो होते हैं वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं। हेटरोट्रॉफिक का मतलब है कि दे आर डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर न्यूट्रिशन, ठीक है? वो अपने न्यूट्रिशन के लिए किस पर डिपेंड है, प्लांट पर डिपेंड है। क्यों डिपेंड है, क्योंकि प्लांट्स ही ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो कि वाटर और सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपना खाना खुद बनाते हैं, और हम प्लांट्स पर डिपेंड हैं। पहला टॉपिक तो हमारा हो गया हेटरोट्रॉफिक होते हैं। दूसरा टॉपिक कौन बच्चा बताएगा, एनिमल जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। ये बात भी आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे से दिमाग में रख लेनी है, एक दो बार नीट में ऐसे क्वेश्चन जरूर आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर कंप्लीटली मल्टी सेलुलर विदाउट एनी एक्सेप्शन, माय डियर। यस यस यस, ओके स्वप्निल, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पे सवाल पूछा जाता है, और सवाल ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ऐसा किंगडम है जहाँ पे सारे ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब उसमें कोई एक्सेप्शन ही नहीं है, उसका कोई भी ऑर्गेनिज्म यूनिसेलर होता ही नहीं है। तो डेफिनेटली आपका जो आंसर आता है वो आपका क्या आता है, एनिमल किंगडम। एनिमल में जितनी भी एनिमल होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, हाय सुभाष, हेलो डियर, तो सारे के सारे क्या होते हैं, वो मल्टी सेलुलर होते हैं। तो हमने दो फीचर हम यहाँ पे पढ़े, दे आर हेटरोट्रॉफिक एंड दे आर मल्टी सेलुलर, राइट? तीसरा कौन बच्चा मुझे बताएगा, थर्ड एंड बेसिक फीचर, जल्दी से मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताइए, थर्ड एंड बेसिक फीचर ऑफ द एनिमल किंगडम। यस आई एम वेटिंग माय डियर। यस त्यागी जी बताइए क्या रहेगा बेसिक फीचर। यस माय डियर त्यागी जी, यस त्यागी जी बताइए 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 क्या रहेगा बेसिक फीचर सभी एनिमल्स का। ओके यस माय डियर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में थर्ड बेसिक फीचर, दो फीचर मैंने ऑलरेडी बता दिए, दे आर हेटरोट्रॉफिक, दे आर मल्टी सेलुलर। दूसरा मुझे कौन बच्चा बताएगा, दूसरा और बेसिक फीचर ये है, दे आर यूकैरियोट्स। क्या है वो, यूकैरियोट्स है, मतलब वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से पता है मोनेरा या फिर बैक्टीरिया वो हमारे प्रोकैरियोटिक होते हैं, लेकिन मोनेरा को छोड़ के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सारे के सारे यूकैरियोट्स में रखे गए हैं, एनिमल भी यूकैरियोट्स होते हैं। सो दीज आर थ्री बेसिक फीचर जो कि हमने यहाँ पे स्टडी किए। अब स्टार्ट करते हैं पूरा हम एनिमल किंगडम। तो सबसे पहले हमने एनिमल किंगडम को यहाँ पे डिवाइड किया गया है, डिवाइड किस किस बेस पे किया गया है, हमने एनिमल किंगडम को दो, एक बेसिक जो मेन फीचर है वो मेन फीचर ये है जो डिवाइड किया गया है, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ, यस माय डियर, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ, बताइए। यस यस बिल्कुल सही आंसर दिया सुभाष जी आपने, काफी सही आंसर दिया है। तो यहाँ पे एनिमल किंगडम को डियर जो डिवाइड किया है वो मेन फीचर जो है हमारा एक है, वो क्या है, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ठीक है, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। अगर यहाँ पर नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, अगर यहाँ पे नोटोकॉर्ड एब्सेंट है तो वो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, वो इंडिविजुअल कहलाते हैं नॉन कॉर्डेट। इज दैट क्लियर, क्या होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स, क्या होते हैं वो इंडिविजुअल्स, नॉन कॉर्डेट वो ऑर्गेनिजम्स, या फिर हम सीधा बोलेंगे वो एनिमल जहां पे नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है, इस तरह के एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं माय डियर। बिल्कुल जी, ओ माय गॉड, अभय यू आर एंग्री, डोंट बी एंग्री माय डियर, इतनी प्यारी प्यारी मैम के साथ एंग्री नहीं होते, ओके? तो इस तरह के एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं माय डियर, नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं, ठीक है। अब नॉन कॉर्डेट्स में जो है इनवर्टिब्रेट आते हैं, क्यों,
क्योंकि जहां पे नोटोकॉर्ड ही नहीं है वहां पे वर्टिब्रल कॉलम का होना सवाल ही पैदा नहीं होता है। समझ आ रही है बात? तो नोटोकॉर्ड जो होते हैं अपने आप में वो भी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। तो चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दे आर इनवर्टिब्रेट्स, राइट? नहीं माय डियर, गुस्सा नहीं होते अच्छे बच्चे, बिल्कुल जी। व्हाई डोंट यू टेक जूम मीटिंग यस्टरडे? आई एम सो सॉरी डियर, मेरी तबीयत बिगड़ गई थी। तबीयत क्या बिगड़ गई थी? मुझे छोटी सी प्रॉब्लम है, दैट प्रॉब्लम इज माइग्रेन प्रॉब्लम, एंड आई रियली गॉट अ वेरी सीवियर हेडेक, एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट कि मुझे सर दर्द हो गया, मैं नहीं ले पाई। आई विल ट्राई टू टेक टूडे एंड आई विल डेफिनेटली अपडेट इन द टेलीग्राम ग्रुप, एंड आई एम वंस अगेन आई एम सो सॉरी कि लास्ट मोमेंट पे मुझे कैंसिल करनी पड़ी। अदरवाइज आई वॉज कम्प्लीट, लाइक इट वॉज कम्प्लीटली प्लान कि मैं संडे को जूम मीटिंग लूंगी, बट यू नो इफ आई हैव हेडेक आई रियली कांट स्पीक, आई रियली कांट टॉक, आई रियली कांट यू नो डिस्कस समथिंग विद यू, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओके, कोई बात नहीं, मैडम कहीं नहीं गई है, आज ले लेंगी, दिल छोटा ना करो जी, मस्त रहो, चंगे रहो। ओके, हाँ बिल्कुल आज ले लेंगे। आज एक काम करते हैं, आज हम स्पेशल क्लास नहीं लेते हैं, आज हम जूम मीटिंग रख लेते हैं, ठीक है? चलिए फिर, यस बिल्कुल बिल्कुल जी, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे नॉन कॉर्डेट जो होते हैं उनको नॉन कॉर्डेट इसलिए बोलते हैं, पूरे एनिमल किंगडम को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक आपका नॉन कॉर्डेट, दूसरा आपका कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट का मतलब एक ही है यहाँ पे कि यहाँ पे नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है। अगर नोटोकॉर्ड एब्सेंट है तो वहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, इसलिए हम उनको इनवर्टिब्रेट की कैटेगरी में भी रखते हैं, राइट? बिल्कुल सही आंसर सुभाष जी, काफी सही डेफिनेशन दिया आपने। अच्छा, नॉन कॉर्डेट में क्या क्या होता है? नॉन कॉर्डेट में आपके पॉरीफेरा होते हैं, जो आपको नहीं दिख रहा होगा, सीलेंट्रेटा होते हैं, प्लैटीहेलमिंथीज होते हैं, निमेटोड्स होते हैं, एनेलिडा होते हैं, आर्थ्रोपोडा होते हैं, मोलस्का होते हैं, एंड इकाइनोडर्मेटा होते हैं। ये सब लिस्ट में आपको बाद में बना दूंगी। अच्छा, कॉर्डेटा में आपके क्या क्या आते हैं? कॉर्डेटा में आपकी दो कैटेगरीज आती हैं, एक तो आते हैं आपके प्रोटोकॉर्ड, दूसरे आते हैं, यहाँ पे मैं ए बी से लिख देती हूँ, और दूसरे आते हैं आपके वर्टिब्रेट, ठीक है? प्रोटोकॉर्ड भी अपने आप में इनवर्टिब्रेट होते हैं। बेसिकली वर्टिब्रेटा जो होते हैं वो एनिमल्स होते हैं जहां पे प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। अब आप पूछोगे कि मैडम वर्टिब्रल कॉलम ये होता क्या है? तो वर्टिब्रल कॉलम आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपके डॉर्सल साइड में, आपकी बॉडी के पीछे की साइड में एक जो रॉड होती है, बोन्स की जो रॉड होती है, उसको हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, हिंदी में उसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, राइट? तो वर्टिब्रल कॉलम कहाँ कहाँ मिलती है आपको? तो एक बहुत अच्छी बात मेरे को एक बच्चे ने यहाँ पे बताई है कि सारे वर्टिब्रेट कॉर्डेट होते हैं, सारे वर्टिब्रेट कॉर्डेट होते हैं, लेकिन सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं होते। उसका बेस्ट एग्जांपल है कि प्रोटोकॉर्डेट जो होते हैं वो वर्टिब्रेट नहीं होते, क्योंकि प्रोटोकॉर्ड में सिर्फ और सिर्फ नोटोकॉर्ड मिलती है। नोटोकॉर्ड जब बोनी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे कि हायर ऑर्गेनिज्म में, हायर एनिमल्स में ऐसा होता है, पाइसिस में ऐसा होता है, यहाँ पे पाइसिस लिखा हुआ, ठीक है, पाइसिस में ऐसा होता है, एम्फीबियंस में ऐसा होता है, रेप्टीलिया में होता है, एप्स में होता है, मैमिलिया में होता है, जितनी भी क्लासेस हैं, जितनी भी क्लासेस हैं वर्टिब्रेटा की, तो यहाँ पे वर्टिब्रेट एक फाइलम है, तो वर्टिब्रेटा की जितनी भी यहाँ पे क्लासेस हैं डियर, यहाँ पर उन सभी ऑर्गेनिज्म में जो मस्कुलर नोटोकॉर्ड होती है ना, वो कन्वर्ट हो जाती है बोनी वर्टिब्रल कॉलम में, इसलिए उनको वर्टिब्रेटा बोला गया है। लेकिन जो प्रोटोकॉर्ड होते हैं वहां पे उनकी नोटोकॉर्ड जो है वो कन्वर्ट नहीं होती है वर्टिब्रल कॉलम में, इसलिए उनको इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं। बिल्कुल सही मिस्टर एंड गेमर, क्या बात है माय डियर, आज के प्यारे प्यारे बच्चे मुझे बहुत सही जवाब दे रहे हैं। यस्टरडे आई ब्रॉट माय डॉग फ्रॉम फार्म टू शो यू, कोई बात नहीं डियर, आज ले आना, क्या फर्क पड़ रहा है, की फर्क पड़ता है, हम और आपका तो साथ बहुत लंबा रहने वाला है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इज दैट क्लियर? एनिमल किंगडम इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, अगेन कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। इज दैट क्लियर? यस, गिव मी थम्स अप एवरीबॉडी, ओह माय गॉड आई लव दैट डॉग, ओके गिव मी थम्स अप। चलिए आगे बढ़े माय डियर मिस्टर, आप एडुगेमर आपका दिख रहा है, यस सो आपने आपका कमेंट मुझे दिख रहा है माय डियर, आपका कमेंट मुझे दिख रहा है। चलिए, अच्छा अब आपको ये पूछा जाता है कि जितने भी एनिमल्स हैं, देख पूछा जाता है कि जितने भी एनिमल्स हैं उनको किस तरीके से डिवाइड किया है, कहाँ कहाँ किस किस स्टेज पे उनको रखा गया है। ये चीज़ आपने 11th की फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया होगा। तो पहले किंगडम होता है, किंगडम के बाद फाइलम्स, अगर किंगडम का हम डिवीजन करते हैं तो जो मेन डिवीजन होता है वो फाइलम होता है, दिस इज द सेकेंड डिवीजन। इसके बाद फाइलम को जब हम डिवाइड करते हैं तो वो क्लासेस में उसको डिवाइड करते हैं, फिर क्लास को भी हम सब डिवाइड करते हैं तो फिर ऑर्डर में डिवाइड करते हैं,
ऑर्डर को भी सब डिवाइड करते हैं तो फैमिली में डिवाइड करते हैं, राइट, और फैमिली को भी सब डिवाइड करते हैं देन जीनस, एंड देन जीनस में बहुत सारी स्पीसीज आती है। सो दिस इज द ऑर्डर कि किस तरीके से हम किसी भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं एट डिफरेंट डिफरेंट लेवल। तो बेसिकली अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं, देखिए ह्यूमन की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होता है होमो सैपियंस, राइट माय डियर। आई एम गुड विजयलक्ष्मी, हाउ आर यू? हाय अनीस, हाय, इतने दिनों बाद, ओ माय गॉड, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे वापस आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत दिनों बाद, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लिटरली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे होमो सैपियंस जो कि हमारे ह्यूमन बींग आप हैं, ह्यूमन बींग का नाम है होमो सैपियंस। तो यहाँ पे होमो जो है वो जीनस है, सैपियन जो है वो स्पीसीज है, इसके बाद इसकी फैमिली होमिनिड्स होती है, ऑर्डर इसका प्राइमेटा होता है, क्लास इसकी मैमल होती है, एंड फाइलम इसकी कॉर्डेटा होती है, और इसको रखा गया एनिमल किंगडम के अंदर, राइट। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं, अब हम आगे मूव करते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या क्या फाइलम्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि फाइलम में डिवाइड किया है, किंगडम को सबसे पहले फाइलम में डिवाइड करेंगे, तो अभी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं फाइलम्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो फाइलम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पॉलीफेरा, राइट डियर, क्लियर है आपको? सबसे पहली फाइलम हम पढ़ेंगे पॉलीफेरा। यस विजयलक्ष्मी, मैं आपको बहुत, सभी बच्चों को मैं इतना मिस कर रही थी। उसके बाद हम निडेरिया पढ़ेंगे, निडेरिया को हम सीलेंट्रेटा भी बोलते हैं। तीसरी फाइलम हमारी प्लैटिहेल्मिंथस होगी, फिर मॉलस्का होगी, फिर एनिलिडा होगी। अच्छा, हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल 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 सही आंसर दिया है, सुभाष ने सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर। हमारी सिक्स, फिर नेमाटोडा, इसके बाद आर्थ्रोपोडा, ठीक है, और इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। तो ये सारी फाइलम हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अब मुझे यहाँ पे कोई भी बच्चा मुझे यहाँ पे एक बात बताइए, जल्दी से मुझे एक बात बताइए कि इनमें से इन जितने भी यहाँ पे हैं फाइलम, इनमें से कौन सी फाइलम आपको मिसिंग है, कौन बच्चा बताएगा? यहाँ पे 9 फाइलम्स आपको दी गई हैं। अब जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको यहाँ पे कौन सी फाइलम जो है वो नजर नहीं आ रही है, वो मिसिंग है। यस मैम, एग्जाम्पल का ट्रिक बिल्कुल बताएंगे अनीस, एग्जाम्पल का ट्रिक जरूर बताएंगे, क्योंकि मेरे पास एनिमल किंगडम की इतनी ढेर सारी ट्रिक है ना, अगर आपने मेरी क्लास में एनिमल किंगडम पढ़ लिया, आई गिव यू गारंटी, आप नीट की एग्जामिनेशन तो बिल्कुल भी नहीं भूलने वाले हैं। अब मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताइए कि इनमें से कौन सी फाइलम मिसिंग है। यहाँ पे वो फाइलम इसलिए मिसिंग है क्योंकि वो फाइलम आपके एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं दे रखी है, ठीक है। जल्दी 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 कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सी फाइलम यहाँ पे मिसिंग है, कौन बच्चा बताएगा मुझे, जल्दी से देखते हैं कौन है चैंपियन आज की क्लास का, ज्योति मैम की क्लास का कौन चैंपियन है आज यहाँ पे, कौन सी फाइलम मिसिंग है। और मैं आपको हिंट भी देती हूँ, टीनोफोरा मिसिंग है। हाँ, टीनोफोरा भी मिसिंग है यार, सच्ची में यार, टीनोफोरा, देखो टीनोफोरा को यहाँ पे लिखा गया, टीनोफोरा, ठीक है, ये भी मिसिंग है। इसके अलावा एक और फाइलम मिसिंग है और मैं आपको हिंट देती हूँ, वो आती है कॉर्डेटा और इकाइनोडर्मेटा के बीच में, हेमिकॉर्डेटा। ये सुभाष, ये क्या बात है, गांव गांव में शोर है, सुभाष बहुत मशहूर है, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो फाइलम है वो आपकी हेमिकॉर्डेटा जो कि मिसिंग थी। तो 2 फाइलम यहाँ पे मिसिंग है, टोटल हम 11 फाइलम पढ़ने वाले हैं, प्रोटोकॉर्डेटा भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में प्रोटोकॉर्डेटा की ज्यादा डिटेल में चीजें नहीं दे रखी हैं। सबसे पहले हम पॉलीफेरा पढ़ेंगे, फिर टीनोफेरा पढ़ेंगे, यस बिल्कुल जी, उसके बाद प्लैटिहेल्मिंथस, देन हम पढ़ेंगे नेमेटोडा जो कि यहाँ पे दे दिया, फिर एनिलिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, फिर मॉलस्का, फिर इकाइनोडर्मेटा, फिर हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और अब हम आपको यहाँ पे बताएंगे। अच्छा, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है ना, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लो, क्योंकि भैया आपसे बात करना और आपके डाउट सॉल्व करने में जो हमें हैप्पीनेस मिलती है ना, वो किसी दूसरे काम में नहीं मिलती है, बिल्कुल सही। तो अच्छा, अगर किसी बच्चे ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि हमारे सेशन को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत कीमती भी है, प्लस मेरा जो ये है ना हैप्पीनेस का लेवल यहाँ से यहाँ हो जाता है, ट्रस्ट मी। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, एस्केल्मेंथीस को ही नेमेटोड्स बोलते हैं, मिस्टर स्वप्निल, यस स्वप्निल, एस्केल्मेंथीस को ही नेमेटोड्स बोला जाता है। अब चलिए हम यहाँ पे पढ़ते हैं बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब किस आधार पे क्लासिफिकेशन जो है वो किया गया है। तो बहुत अच्छे से हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं क्लासिफिकेशन का जो यहाँ पे बेस है, वो सबसे पहला बेस है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप ये पूछते हैं कि मैडम ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, देखिए हमारी लाइफ किसी भी
एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की लाइफ, या फिर हम बोल सकते हैं कि मान लीजिए इवोल्यूशन जब हुआ था तो इवोल्यूशन जब हुआ था तो सबसे पहली जो लाइफ बनी थी वो यूनिसेलुलर लाइफ थी। ये बात सबको पता है, क्रिस्टल क्लियर है। पहली लाइफ जो ओरिजिनेट हुई थी इस अर्थ पर, इस प्लैनेट पर, दोज ऑर्गेनिज्म वर यूनिसेलुलर। और वो ऑर्गेनिज्म कौन से थे, कमेंट बॉक्स में बताइए। बैक्टीरिया। कौन से ऑर्गेनिज्म थे? बैक्टीरिया। लेकिन फिर बैक्टीरिया से आगे इवोल्यूशन होता गया तो यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ। एम आई क्लियर? एम आई मेकिंग सेंस? राइट। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ। राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले एनिमल किंगडम के सबसे प्रिमिटिव और सबसे पहले ऑर्गेनिज्म जो आते हैं वो आपके आते हैं पॉरीफेरा, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा से लेकर कॉर्डेटा तक यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स को हमने डिवाइड किया है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर डिवाइडेड फ्रॉम पॉरीफेरा फाइलम टू कॉर्डेटा फाइलम, दे आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब आप ये सोचोगे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कि अगर बॉडी या तो सेल्स की बनी है या फिर टिश्यूज की बनी है या फिर ऑर्गन्स की बनी है। अगर बॉडी सेल्स की बनी है तो उसको सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। यस मैम, नीट 2022 के लिए मोटिवेशनल कीजिए, जैद विन जरूर। हम मोटिवेशन के लिए तो हम हमेशा तैयार हैं, सो डू नॉट वरी एट ऑल माई डियर, आपको मोटिवेशन सेशनल जरूर मिलेगा। दिस इज यस, बहुत जल्दी आपको 2022 का मोटिवेशनल सेशन मिलने जा रहा है, सो डू नॉट वरी एट ऑल। ओके, व्हाई फियर व्हेन ज्योति मैम इज हियर? बिल्कुल नहीं डरने का। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो हमने किया है क्लासिफिकेशन, वो सिमेट्री पे किया। पहला तो हमारा ये हो गया, सेकेंड हमारा सिमेट्री हो गया। अब सिमेट्री का मतलब क्या होता है? सिमेट्री का मतलब होता है कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है आपको उसे डिवाइड करना है हाफ में, तो बहुत सारे एंगल्स होते हैं, बहुत सारे एक्सिस होते हैं जिसकी वजह से आप उसे हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं आगे। तीसरा जो बेस क्लासिफिकेशन का बेसिस था वो था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी दो जर्म लेयर से बनी है या तीन जर्म लेयर से बनी है। बॉडी इज फॉर्म्ड बाई टू जर्म लेयर्स और थ्री जर्म लेयर्स। ऑन दिस बेसिस द बॉडी इज द ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड। राइट। फोर्थ आपका हो जाएगा सिलोम। सिलोम क्या है? सिलोम इज अ कैविटी। आपकी बॉडी के अंदर एक कैविटी होती है, एक ऐसी कैविटी जहां पे सेल्स की लेयर नहीं होती है। एंड इन दिस कैविटी ऑल द वाइटल ऑर्गन्स आर प्लेस्ड। तो आपको बहुत अच्छे से पता है, अगर आप अपनी बॉडी को, मान लीजिए आप डॉक्टर बन जाओगे फिर पोस्टमार्टम करोगे, हाँ, तो सपने देखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि डॉक्टर तो आपको बनना ही है। तो जस्ट इमेजिन करो कि आप डॉक्टर बन चुके हो, ये स्टेथोस्कोप आपने पहना हुआ है, ये सब कुछ लगाया हुआ है, ग्लव्स, ये चश्मा वगैरह सब लगाया हुआ है, और आपके सामने एक डेड बॉडी है। तो उस डेड बॉडी को आप बीच में से काट रहे हैं, तो जैसे ही उस बीच में से काटोगे तो आप देखोगे कि स्किन जो है, जो स्किन है, मसल है, जो टिश्यूज हैं, वो एक लिमिट तक ही हैं। उसके अंदर एक हॉलो पार्ट है और उसी हॉलो पार्ट में सारे ऑर्गेनिज्म, सारे ऑर्गन्स जो हैं वो रखे हुए हैं। जैसे कि हार्ट रखा हुआ है, लंग्स रखे हुए हैं, उसके नीचे आपके बेसिकली हम कह सकते हैं कि जहाँ पे एलिमेंट्री केनाल जहाँ पे प्रेजेंट है, जिसमें कि ईसोफेगस आपका आ जाएगा, स्टमक आ जाएगा, इंटेस्टाइन आ जाएगा, किडनीज आ जाएंगी। तो ये सारे वाइटल ऑर्गन्स जहाँ बॉडी के अंदर प्लेस हैं और वहाँ पे कोई सॉलिड मटेरियल प्रेजेंट नहीं है उस कैविटी में, उसी कैविटी को सिलोम बोलते हैं। हाय अनुष्का, हाउ आर यू माय डियर? यस माय डियर, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब पांचवा जो है वो सेगमेंटेशन है। सेगमेंटेशन का मतलब ये है कि बॉडी में सेगमेंटेशन, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स। ठीक है, दीज आर नोन एज सेगमेंटेशन। एंड आई रियली मिस्ड यू सो मच। अरे अनीश, एग्जांपल का ट्रिक जरूर बताएंगे माय डियर। ठीक है, थोड़ा शांति रखो। अच्छा, लास्ट जो है वो नोटोकॉर्ड है, मतलब हमने ऑलरेडी बता दिया है। अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो वो आपके कॉर्डेट्स में आते हैं, अगर नोटोकॉर्ड एब्सेंट है तो वो आपके नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं। क्लियर है? यस, आई एम गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा पहला क्लासिफिकेशन का बेसिस है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपको सेल्यूलर लेवल आपको दिखेगा। तो सबसे पहली बात हम एग्जांपल यहाँ पे याद कर लेते हैं। तो सेल्यूलर, देखिए सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपको पॉरीफेरा में देखने को मिलता है। अनीश, अब देखो मैं एग्जांपल की आपको ट्रिक बता रही हूँ, सो बी वेरी केयरफुल और बहुत ही शांति से मेरी बात सुनो। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपको पॉरीफेरा में मिलता है। पॉरीफेरा क्या है? पॉरीफेरा, इनको क्यों बोला जाता है? पोरी, पोरी मतलब पोर्स,
पोर्स बियरिंग ऑर्गेनिज्म, पोर्स बियरिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है जी, पोर्स बियरिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अच्छा, इनका जो दूसरा नाम है, हम इनको स्पंजेस भी बोलते हैं। इनको स्पंजेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी बॉडी जो होती है ना डियर, वो स्पंज जैसी होती है। स्पंजेस, जैसे कि स्पंज है, ठीक है, जैसे कि बहुत सारे स्पंज होते हैं, उसमें अगर पानी डाल दो तो उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो पानी उसके अंदर पोर्स के थ्रू वाटर वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो सेम पॉरीफेरा की बॉडी होती है, स्पंज जैसी होती है, वो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर उसी वाटर की हेल्प से उनकी बॉडी के सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो चलते रहते हैं। जैसे कि वाटर ही फूड का कैरियर होता है, वाटर ही गैसेस का कैरियर होता है, रेस्पिरेटरी गैसेस, एंड वाटर ही वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ गई कि पॉरीफेरा को पॉरीफेरा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी पूरी बॉडी में पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है जी। हाय राशि, हाउ आर यू। उनकी पूरी बॉडी में क्या होते हैं? पोर्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉरीफेरा ही ऐसे एनिमल हैं जो कि सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। अब इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ। पहली बात जो आपको नोट करनी है, पॉरीफेरा आर मल्टी सेल्यूलर। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है माय डियर, बहुत बार, इसको ध्यान से सुनिए। पॉरीफेरा आर मल्टी सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन और सबसे बड़ी बात है कि मल्टी सेल्यूलर होने के बाद भी दे डू नॉट हैव एनी टिश्यू, और organ। मतलब यह है, मैं आपको बताती हूँ, सेल तो डिवाइड हो गई हैं, एक सेल से बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट हैं बॉडी के अंदर, लेकिन सेल्स जो हैं वो डिफरेंशिएट नहीं हुई हैं। जैसे कि टिश्यू क्या होता है? टिश्यू होता है अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर स्ट्रक्चरली सिमिलर एंड फंक्शनली सिमिलर, ठीक है, मतलब उनका फंक्शन भी सेम है, उनका स्ट्रक्चर भी सेम है, लेकिन उनका ओरिजिन सेम भी हो सकता है, उनका ओरिजिन डिफरेंट भी हो सकता है। तो वो ग्रुप ऑफ सेल जो दिखने में एक जैसी होती हैं और वो एक ही काम करती हैं, उसी ग्रुप ऑफ सेल से एक पर्टिकुलर वहाँ पे टिश्यू, मतलब टिश्यू वहाँ पे बनना लग जाता है, या फिर टिश्यू का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, राइट। लेकिन पॉरीफेरा के अंदर जो सेल्स तो बहुत सारी मौजूद हैं, लेकिन वो सेल्स जो होती हैं वो लूजली अरेंज्ड होती हैं। मैं यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे लिख लेती हूँ, लूजली अरेंज्ड, और लूजली अरेंज्ड होने की वजह से माय डियर वो टिश्यू में कन्वर्ट नहीं हो पाती हैं, और ना ही वो, जब टिश्यू ही नहीं बना है तो ऑर्गन भी नहीं बनेगा, क्योंकि टिश्यू के बाद ऑर्गन बनता है, जब टिश्यू नहीं बना है तो ऑर्गन ही नहीं बनेगा, राइट। तो आपको अब हमेशा याद रहेगा कि सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, यस माय डियर विजयलक्ष्मी, वाटर कैनाल सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट होता है। सारी चीजें हम डिटेल में करने वाले हैं, प्लीज डू नॉट लूज योर पेशेंस, जस्ट शांति से क्लास में बने रहिए, सारी चीजें कवर करेंगे। तो यहाँ पे लूजली अरेंज्ड होते हैं, राइट, होते कि नहीं होते कमेंट बॉक्स में बताइए। लूजली अरेंज्ड होने की वजह से कम्पैक्टली पैक नहीं होते हैं, इसकी वजह से वहाँ पे उनका काम जो है सेल्स का वो एक जैसा नहीं हो पाता है, और इसी वजह से वहाँ पे टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता है। एक और बड़ी बात हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कि जो पॉरीफेरा होते हैं माय डियर, दे आर कंसीडर एज अ प्रिमिटिव एनिमल्स, वेरी प्रिमिटिव एनिमल। प्रिमिटिव एनिमल उनको इसलिए रखा गया है कि अकेले पॉरीफेरा हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सेल्स, मतलब मल्टीपल सेल्स के बने हैं, वहां पे कोई भी टिश्यू या फिर कोई भी ऑर्गन वहां पे प्रेजेंट नहीं है, राइट। बिल्कुल विजय लक्ष्मी, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट टाइप अब जो हम पढ़ेंगे वो हमारा टिश्यू लेवल। अब टिश्यू लेवल किस में प्रेजेंट होता है? अब मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक बता रही हूँ, डू नॉट फॉरगेट दिस ट्रिक माय डियर, मेरे प्यारे बच्चे, इसको बिल्कुल मत भूलना। एक चीज, मेरी बात बहुत ही आंख बंद करके अच्छे से सुनिए। यहाँ पे जो एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम में अगर कोई भी किसी भी चीज का ओरिजिनेशन, किसी भी चीज का डेवलपमेंट किसी सर्टेन लेवल पे स्टार्ट हो गया है, मैं रिपीट कर रही हूँ, यहाँ एनिमल किंगडम में अगर किसी भी चीज का ओरिजिनेशन, किसी भी चीज का डेवलपमेंट किसी सर्टेन लेवल पे या फाइलम पे स्टार्ट हो गया है, तो आने वाली सभी फाइलम में वो चीज कंटिन्यू रहेगी। मेरी बात ध्यान से सुनिए, वो चीज कंटिन्यू रहेगी या फिर और ज्यादा डेवलप होती चली जाएगी। देखिए, सेल के बाद टिश्यू बनते हैं,
तो यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपके निडेरिया शो करते हैं, और निडेरिया टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, इसीलिए टिश्यू सेल से एडवांस हैं, इसीलिए निडेरिया को पॉरीफेरा के बाद रखा गया है, मतलब पॉरीफेरा को प्रिमिटिव माना जाता है और निडेरिया को सीलेंट्रेटा को पॉरीफेरा से एडवांस माना जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी में टिश्यूज प्रेजेंट है। ठीक है, तो निडेरिया में क्यों हम इनको टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे टिश्यूज आर प्रेजेंट, राइट माय डियर, आपको इतनी ही बात याद रखनी है। और तीसरा जो है, मैंने जो अभी बात बोली थी ना, उसको ध्यान से सुनिए, सेल टिश्यू और ऑर्गन में सबसे एडवांस ऑर्गन है, ऑर्गन का अभी कोई ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम जरूर आया है, लेकिन ऑर्गन के बाद बड़ी कोई चीज नहीं बनी है, ऑर्गन इज अ लास्ट, अभी तक की लास्ट स्टेज है, और ऑर्गन सबसे एडवांस स्टेज है। तो मैंने क्या बोला था, किसी सर्टेन फाइलम पे, किसी सर्टेन लेवल पे अगर किसी चीज का डेवलपमेंट हो गया है, तो वो आने वाले सभी आगे के सभी एनिमल्स में, सभी ऑर्गेनिज्म में वो चीज कंटिन्यू करेगी। तो ऑर्गन लेवल यहाँ पे है जहाँ पे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, ठीक है। और ऑर्गन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आप देखो मेरी ट्रिक आपको कितने काम आने वाली है, ऑर्गन जो है सब आपको क्या याद रखना है, पूरे एनिमल किंगडम में आपको ये एक चीज हमेशा याद रखनी है कि किस लेवल पे माय डियर, ठीक है, किस लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो चुका था, आपको ये बात याद रखनी है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपको क्या याद रखना है, बस एक ही चीज आपको याद रखनी है कि किस फाइलम में कौन सी चीज स्टार्ट हो गई, किस फाइलम में कौन सी एडवांस चीज स्टार्ट हो गई, और जिस फाइलम में वो एडवांस चीज स्टार्ट हो गई ना, आने वाले सभी फाइल में वो चीज सेम रहने वाली है, आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो हमारा ऑर्गन लेवल जो है वो प्लैटी हेलमिंथीज में स्टार्ट हो गया था, किसमें स्टार्ट हुआ था, प्लैटी हेलमिंथीज में स्टार्ट हो गया था। तो भैया प्लैटी हेलमिंथीज के बाद कॉर्डेटा तक जितनी भी फाइलम है, जितनी भी क्लास है, ऑर्डर है, वर्ड एवर, सभी में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलने वाला है, क्योंकि प्लैटी हेलमिंथीज हो, इकाइरोडर्मेटा हो, आर्थ्रोपोडा, सभी में ऑर्गन्स मिलते हैं ना, ऑर्गन्स का मतलब है आंख, कान, हार्ट, एलिमेंट्री केनाल, ऑल दीज आर ऑर्गन्स माय डियर। तो ये सारे के सारे मिलने वाले हैं। अब आपको हर फाइलम में ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, ओ आर्थ्रोपोडा में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, एनिलिडा में ऑर्गन लेवल होता है, मोलस्का में ऑर्गन लेवल होता है, कॉर्डेटा में, ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इतना याद रखना है कहाँ पे वो ऑरिजिनेट हुई है, ऑरिजिनेट हो गया प्लैटी हेलमिंथीज में, तो प्लैटी हेलमिंथीज के बाद जितनी भी आने वाले फाइलम है सभी में प्रेजेंट होगा, नो डाउट, ठीक है, यस माय डियर, बोथ हैव टिश्यू लेवल ऑफ, बिल्कुल विजयलक्ष्मी आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। कॉड्रेक ने पूछा मैम देन व्हाई दे हैव वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन डियर आपको हायर ऑर्गेनिज्म में मिलता है, जैसे कि ह्यूमन बींग में वेस्टिजियल ऑर्गन आपको मिलेगा ईयर पिन्ना, इसके बाद अपेंडिक्स, दीज आर वेस्टिजियल ऑर्गन, और वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब होता है कि पहले उनका इस्तेमाल हो रहा था, ठीक है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में जाते हैं तो पहले उनका इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन अब उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हमारे लिए इजी हो गई हैं, जैसे कि मोलर टूथ जो होता है वो वेस्टिजियल है, क्यों है, क्योंकि मोलर टूथ का जो बहुत ज्यादा काम था होता है कि बहुत ही हार्ड एंड रफ फूड को क्रश करने के लिए, मास्टिकेट करने के लिए, ठीक है, लेकिन अब हम इतना ज्यादा हार्ड खाना नहीं खाते हैं, हम तो जूस पीते हैं, दूध पीते हैं, तो उसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इवोल्यूशन ये भी कहता है कि इवोल्यूशन की वजह से ऑर्गन्स का डेवलपमेंट भी होता है, और इवोल्यूशन की वजह से ही जो पुराने जितने भी ऑर्गन्स होते हैं या बॉडी पार्ट्स होते हैं उनका रेट्रोग्रेटिव डेवलपमेंट भी होता है। रेट्रोग्रेटिव डेवलपमेंट का मतलब है कि वो डिक्रीज, उनकी जरूरत अगर कम हो रही है तो वो उनका क्या बोलते हैं, उनका अस्तित्व, उनका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा आने वाले टाइम में, क्योंकि एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द यूजेस। अगर आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो चलता रहेगा, अगर आपने उसका इस्तेमाल छोड़ दिया तो वो चलता नहीं रहेगा। जैसे कि आपके घर में कोई भी मशीन है, अगर आपने इस्तेमाल किया तो ठीक से काम करेगी, नहीं किया आपने 2 साल बाद 10 साल बाद वो खराब हो जाएगी और उसका इस्तेमाल आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो दिस इज अ थिंग, चलिए ऑर्गन लेवल और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारा हो चुका है, तो आपको यही याद रखनी है, जो भी एनिमल किंगडम का यहाँ पे क्लासिफिकेशन हुआ ना डियर, वो इवोल्यूशन के आधार पर हुआ है। तो इवोल्यूशन में सबसे पहले सेल बने, उसके बाद टिश्यू बने, और उसके बाद ऑर्गन बने, इसी वजह से पॉरीफेरा को पहले रखा, निडेरिया टीनोफेरा को बाद में रखा, और उसके बाद प्लैटी हेलमिंथस से लेकर कॉर्डेटा तक डिवीजन। तो पहली चीज हमारी यहाँ पे हो चुकी है,
टेल मी विजयलक्ष्मी इज दैट क्लियर, और बाकी सारे बच्चे मुझे बता दीजिए कि सारे बच्चों को आई होप कि अभी तक क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं आया तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, हो गया है तो गिव मी योर थम्स अप, गिव मी योर लव, गिव मी योर लाइक, जल्दी से हिट बटन कर दीजिए लाइक कर, यस माय डियर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अब हमारा सेकेंड है थर्ड हमारा फीचर है सेकेंड ईयर, ये है सिमेट्री। अब सिमेट्री क्या कहता है कि अगर बॉडी को हम कोई भी एक बॉडी, जैसे कि बॉडी राउंड है, तो राउंड बॉडी है यहाँ पे उसका सेंटर होता है, तो उस राउंड बॉडी को हम दो इक्वल भाग में डिवाइड कर सकते हैं किसी भी प्लेन से, वो प्लेन जो कि उसके सेंटर से पास कर रहा है, लाइक दिस, मान लीजिए ये सेंटर यहाँ से पास कर रहा है, ठीक है, यहाँ से, तो बॉडी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो है वो बेसिकली लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बेसिकली इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। तो रेडियल सिमेट्री के आधार पर भी हमने ऑर्गेनिज्म को लोअर एंड हायर बनाया था। तो लोअर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, जहाँ पे रेडियल सिमेट्री होती है। तो रेडियल सिमेट्री आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, रेडियल सिमेट्री आपको देखने को मिलती है निडेरिया में राइट, और टीनोफोरा में भी आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, अब मुझे देखना है कितने बच्चों को एनिमल किंगडम बहुत अच्छे से आता है, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में एक्सेप्शन लिख के बता दीजिए कि यहाँ पे कौन सा ऐसा हायर ऑर्गेनिज्म है जहाँ पे रेडियल सिमेट्री भी आपको देखने को मिलती है, जल्दी से बताइए। यस मेघनाथ, आपकी जरूर 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 एक्सेप्ट हो जाएगी, मुझे कौन बच्चा बताएगा कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताइए। निडेरिया मैंने आपको बता दिया है, टीनोफोरा मैंने आपको बता दिया, लेकिन इनके अलावा एक और ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बायलैटरल के साथ साथ रेडियल भी सिमेट्री शो करता है। बेसिकली मोस्टली ऑर्गेनिज्म क्या होता है, या तो वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं या फिर बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि दोनों टाइप की सिमेट्री को शो करता है। चलिए पहले बायलैटरल का पढ़ लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको अभी एक ट्रिक बताई थी, एक हिंट बताई थी दो सेकेंड पहले, कि किसी भी लेवल पे, किसी भी फाइलम पे अगर कोई भी चीज़, कोई भी डिवीज़न, कोई भी फीचर अगर डेवलप हो गया है तो आने वाले सभी फाइलम, सभी क्लासेस में वो डिवीजन चलता रहेगा, मतलब वो खत्म नहीं होगा या फिर उसकी जगह कुछ और नहीं आएगा। तो अभी तक की जो बायलैटरल सिमेट्री है वो एडवांस सिमेट्री है, ये आपको पता होना चाहिए क्या है, वो एडवांस सिमेट्री है। तो और ये बायलैटरल सिमेट्री डियर हमारी प्लैटीहेल्मिंथिस में देखने को मिल गई थी, प्लैटीहेल्मिंथिस में पहली बार देखने को मिली थी। तो प्लैटीहेल्मिंथिस से लेकर कॉर्डेटा तक, अब आपको हर फाइलम में रटने की जरूरत नहीं है कि भाई मोलस्का में बायलैटरल होती है, एनलिडा में बायलैटरल होती है, इकारोडामेटा में बायलैटरल होती है, फिशेस में बायलैटरल होती है, आपको रटने की जरूरत नहीं है माय डियर, रटने की जरूरत नहीं है। आपको क्या है, आपको बस इतना पता लगाना है कि किस फाइलम पर बायलैटरल सिमेट्री डेवलप हो चुकी, इसके बाद सभी क्लासेस में, सभी फाइलम में बायलैटरल सिमेट्री कंटिन्यू रहेगी, दिस इज माय वर्ड्स। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा एक्सेप्शन है, और वो छोटे से एक्सेप्शन का मुझे ऑलरेडी जवाब आ चुका है, एंड वेरी गुड डियर, योर परफॉर्मेंस इज रियली गुड। एक्सेप्शन ये है कि आपके इकाइनोडर्म्स में भी रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, बस आपको एक छोटा सा एक्सेप्शन याद रखना है, और मार्क माय वर्ड्स, इसी एक्सेप्शन से सवाल बहुत बार आता है, ट्रस्ट मी। तो इकाइनोडर्म्स जो हैं वो रेडियल और बायलैटरल दोनों टाइप की सिमेट्री शो करते हैं, ये बात में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन से स्टेज में रेडियल सिमेट्री होती है और कौन सी स्टेज में बायलैटरल सिमेट्री होती है। हिंट आपको देती हूँ, वन इज लार्वल स्टेज एंड वन इज एडल्ट स्टेज। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपनी नॉलेज की बरसात मेरे ऊपर करिए कि मैम इसमें होती है बायलैटरल और इसमें होती है रेडियल, जल्दी बताइए। यस माय डियर, और हमें आंसर आ चुका है सुभाष चंद का, गुड इवनिंग धनंजय, बिल्कुल एडल्ट इज रेडियल एंड लार्वल इज बायलैटरल, बिल्कुल सही आंसर दिया है। और आज के बच्चे तो बड़े चैंपियन है, आई रियली लव ऑल द चैंपियंस, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन हाँ, एक बात आपको याद रखनी है कि हमारे जो पॉरीफेरा स्पंजेस जो होते हैं या पॉरीफेरा जो होते हैं, दे आर ए सिमेट्रिकल, मतलब ये है कि वहाँ पे कोई भी सिमेट्री आपको नहीं देखने, ठीक है, क्योंकि बॉडी बहुत ही उबड़ खाबड़ होती है,
ऑर्गन्स नहीं होते हैं, टिश्यू नहीं होते हैं, तो बॉडी का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, और जब बॉडी का पर्टिकुलर शेप नहीं होता है तो वहां पे बॉडी एसिमेट्रिकल बन जाती है। लेट मी रीड द कमेंट। मैम अभी 565 नंबर आ रहे हैं, थोड़े नंबर कम पड़ रहे हैं। मैम मैं ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करूँ या सेल्फ? दिनेश, इफ़ यू रियली आस्किंग रेस्पेक्टफुली मी कि भाई आपको क्या करना चाहिए, तो 565 को आपको अगर 665 और 700 बनाना है तो डेफिनेटली आप कोर्स ज्वाइन करिए। आप रिस्क मत लीजिए, बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिए, क्योंकि देखिए 500 नंबर तक जो है सेल्फ प्रिपरेशन से आ जाते हैं, ट्रस्ट मी आ जाते हैं, लेकिन 500 नंबर से 700 नंबर पहुंचने के लिए जो 200 नंबर का गैप है ना, इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत है, आपके कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज़्यादा क्लियर होने की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी बात आपकी स्पीड बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, एंड जो भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। तो इन सब के लिए यहाँ पे ये जो 200 नंबर का 150 नंबर का गैप है, इसको फिल करने के लिए डेफिनेटली यू शुड गो फॉर ऑनलाइन कोर्स। आपको पता ही है अनअकैडमी के बहुत सारे नए बैचेस जो हैं वो आज से स्टार्ट हुए हैं, तो यू कैन ज्वाइन एनी बैच प्लस और आइकॉनिक, ठीक है? और अगर आप कोई भी आइकॉनिक, हाँ जर अगर आप लेते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत सारा डिस्काउंट भी मिलता है। ऑलरेडी 20% डिस्काउंट चल रहा है। संडे को आप अनअकैडमी का कॉम्बैट टेस्ट लिख लीजिए, उसमें आपको एडिशनल 15% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो भैया आपका तो जो कोर्स है वो मुश्किल से 20,000 में हो जाएगा, तो लाइक 15,000 to 20,000 में आपका पूरा कोर्स जो है वो खत्म हो जाएगा। तो यू शुड गो फॉर ऑनलाइन कोर्स, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो पूरी तरीके से एंड तक, यू नो नीट 2022 के एग्जामिनेशन के दिन तक जो है मेंटेन रहे, आप उसमें कोई भी गलती ना करें। क्योंकि अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको स्ट्रक्चर्ड वे में मिलती हैं, और प्लस आपका एनालिसिस किया जाता है, टीचर आपको देखता है कि भाई आपने कहाँ कहाँ पर आप गलतियाँ कर रहे हो, क्या छोड़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो डू नॉट टेक एनी रिस्क, गो फॉर पेड कोर्सेज, ठीक है? अनअकैडमी के बहुत सारे पेड कोर्सेज हैं, ये आपके ऊपर है, आप आइकॉनिक लेना चाहते हैं या फिर आप प्लस लेना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा ऑफर चला हुआ है, अगर आप इसी वीक में ले लेते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारा ऑफर चला हुआ है। हाय अविनाश, मैम एनिमल किंगडम की एग्जाम्पल कैसे याद करें? अविनाश जरूर, थैंक यू श्रावण, थैंक यू। यस यस, हमारा स्वैग, क्या बात है ईश्वर चौधरी, स्वैग तो है, काफी स्वैग है। यस यस यस, बिल्कुल 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 जी, बिल्कुल जी। हाय अविनाश, थैंक यू, थैंक यू माय डियर। तो दिनेश चौहान, यस, तो डियर इफ यू आर रियली विलिंग टू टेक एनी सब्सक्रिप्शन, सो दिस इज माय कोड दिनेश, यू कैन यूज माय कोड एंड यू कैन गेट 20% डिस्काउंट। दिस यस 10% मेरे कोड से आपको मिल जाएगा, 10% ऑलरेडी चल रहा है, और अगर आप अनअकैडमी का कॉम्पैक्ट टेस्ट लिखते हैं तो 15% और ज्यादा मिल जाएगा, ठीक है? चलिए फिर, चलो नेक्स्ट हमारा फीचर है वो हमारा है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जर्म लेयर पर डिपेंड करता है कम्प्लीटली, जर्म लेयर्स। तो अगर जैसे कि देखिए, जब भी एक फीटस का डेवलपमेंट हो रहा होता है, एम्ब्रियो के बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है? सुनिए मेरी बात, एम्ब्रियो के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है जी? तो यहाँ पे एम्ब्रियो के अंदर दो टाइप के एम्ब्रियो हो सकते हैं। एक वो एम्ब्रियो जहाँ पे सिर्फ टू लेयर्स होती है, और टू लेयर्स वाला जो एम्ब्रियो होता है वो लोअर ऑर्गेनिजम्स में मिलता है, मतलब लोअर एनिमल्स में मिलता है। मैम AIQ से SC कैटेगरी 480 मार्क कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है? SC कैटेगरी में 480 मार्क्स पे डियर आपके स्टेट कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे माय डियर। यस अविनाश, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं दिनेश, थैंक यू, ओके डियर, नहीं मिलेगा, नहीं SC कैटेगरी में चांसेस है माय डियर, लेकिन आपके स्टेट कॉलेजेस के चांसेस हैं। एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग, वो सारे स्टेट कॉलेज जहाँ पे वो थोड़ा बहुत डोनेशन लेते हैं वहाँ पे आपके चांसेस हैं, वहाँ पे आपको काउंसलिंग के लिए बुला लिया जाएगा। पर फॉर सेफर साइड, अगर आपके यहाँ पे मार्क्स 520 प्लस होते तो ज़्यादा आपके चांसेस हो जाते आपके, फिर तो ऐसा है कि जितने भी नेशनल लेवल के कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे डेफिनेटली आपको मिल जाता, लेकिन 480 पे आपके स्टेट कॉलेज में आपके चांसेस हो जाएंगे जहाँ पे वो थोड़ा बहुत डोनेशन लेते हैं, ठीक है? ये सब अविनाश, तो अच्छा सभी बच्चों से हमारी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक और मेरी एनर्जी जो है वो तभी आपके लाइक बढ़ेंगे, मेरी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है? यस विजय लक्ष्मी, आपको टेलीग्राम का लिंक जरूर मिलेगा माय डियर। वन सेकेंड, आई एम शेयरिंग इन कमेंट बॉक्स, सो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया कमेंट बॉक्स में, यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। चलिए, तो यहाँ पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे थे, तो डियर यहाँ पे देखिए टू लेयर्स, वो एम्ब्रियो जो कि जिसमें सिर्फ दो लेयर हैं,
या फिर वो एम्ब्रियो जहाँ पे तीन लेयर्स हैं, थ्री लेयर्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर एम्ब्रियो की दो लेयर हैं तो दोनों लेयर का जो नाम है मैं यहाँ पे मार्क करके बता देती हूँ, जो आउटर लेयर होती है उसको हम एक्टोडर्म बोलते हैं और जो इनर लेयर होती है उसको हम एंडोडर्म बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे दो लेयर सिर्फ एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म है, सिर्फ एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म है, एंडोडर्म, और इन्हीं दोनों लेयर की सेल्स का डिफरेंशिएशन होने के बाद पूरे बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है, इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। याद रखिए डिप्लोब्लास्टिक, तो यहाँ पे डाई, डाई का मतलब टू होता है, डिप्लोब्लास्टिक। लेकिन अगर ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट, उसके एम्ब्रियो में तीन लेयर हैं, तो एक है एक्टोडर्म, दूसरे का नाम बताइए, दूसरी है मेसोडर्म, जल्दी से मेरे साथ बोलिए मेसोडर्म, और तीसरी है एंडोडर्म। यस माय डियर, एंडोडर्म। तो यहाँ पे इन तीनों लेयर से, इन तीनों लेयर के डिफरेंशिएशन से अगर पूरे बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलते हैं माय डियर, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, ट्रिप्लोब्लास्टिक। यस, वेरी गुड, यू आर चैंपियन माय डियर, चैंपियन। देखिए ब्लास्टिक टर्म जो है वो इसलिए यूज की गई है क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट सेल्स होती है एम्ब्रियो की, उन्हीं से पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो अगर तीन लेयर हैं, ब्लास्टोसिस्ट की तीन लेयर हैं, उन्हीं से पूरे ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो रहा है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। अगर ब्लास्टोसिस्ट की दो लेयर हैं और उससे पूरे बॉडी का पूरे ऑर्गेनिज्म का, पूरे एनिमल का डेवलपमेंट हो रहा है तो इस तरह के एनिमल्स को हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। अब मुझे कमेंट बॉक्स में, अरे बापरे स्पैमिंग में क्यों आंसर, मैम एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल कैसे याद करें, बहुत भूलते हैं। अविनाश जी थोड़ी सी शांति बनाए रखें चैट बॉक्स में, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल के, नॉट ओनली एग्जाम्पल बल्कि फीचर्स को भी याद करने की ट्रिक मैं बता रही हूँ। अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे तो आप नहीं भूलेंगे, दिस इज माई गारंटी, ओके, दिस इज माई गारंटी। तो थोड़ा सा शांति बना के रखो यार, काहे इतना हड़बड़ा रहे हो, काहे हड़बड़ा रहे हो, ठीक है। तो डिप्लोब्लास्टिक, अब हम यहाँ पे थोड़े एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं कि डिप्लोब्लास्टिक जो है वो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो जल्दी से मुझे कौन बच्चा कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएगा कि डिप्लोब्लास्टिक जो है एग्जाम्पल आपके आ जाएंगे, बताइए आपके निडेरिया आते कि नहीं आते, निडेरिया एंड टीनोफोरा। निडेरिया और टीनोफोरा जो है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि वो जुड़वा भाई है या जुड़वा भाई बहन है, क्योंकि दोनों में बहुत ही ज्यादा फीचर्स जो हैं वो सिमिलर मिलते हैं। लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक, देखिए मैं आपको एक बार रिपीट कर रही हूँ, फिर से बोल रही हूँ मैं एक बार, कि अगर कोई भी एडवांस फीचर, अगर कोई भी एडवांस फीचर किसी फाइलम में डेवलप हो गया तो उस फाइलम से लेकर कॉर्डेटा में वो एडवांस फीचर चलता रहेगा बिना किसी एक्सेप्शन के चलता रहेगा। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक पहली बार जो देखा गया था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, वो आपको प्लैटी हेलमेंथीस में देखा गया था, किसमें देखा गया था बताइए, प्लैटी हेलमेंथीस में। अब प्लैटी हेलमेंथीस से कॉर्डेटा तक, प्लैटी हेलमेंथा से कॉर्डेटा, अगर आंख बंद करके बिना सोचे समझे बोल दीजिए कि यस, प्लैटी हेलमेंथीस से लेकर कॉर्डेटा तक सारे फाइलम में सिर्फ और सिर्फ ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, बताइए। ओके, कॉर्डेटा तक, क्लियर है? अब जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिख के बताइए कि आपको ये बात यहाँ पे समझ आई, आज के बाद इस बात को भूलोगे या नहीं भूलोगे, जल्दी से बताइए, क्या आज के बाद इस ट्रिक को आप भूलोगे, बताइए, क्या कभी कोई ऐसा चांसेस है कि आप इसमें गलती करोगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। यस 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 मिस्टर एजुकेटर एंड धनंजय, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए मेरी ट्रिक आपको समझ आई। अगर किसी फाइलम में, किसी लेवल में, किसी डिवीजन में अगर कोई भी एडवांस फीचर डेवलप हो गया तो वहां से लेकर कॉर्डेटा तक वो फीचर चलता रहेगा कॉमनली, और ऐसे ही चलता रहेगा, उसमें कोई मॉडिफिकेशन, कोई चेंजेस नहीं है। तो अगर आप, मैं आपसे पूछूं आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि पहली बार ट्रिप्लोब्लास्टिक टाइप का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो प्लैटी हेलमेंथीस में स्टार्ट हो गया था।
मैं आपको पूछूं कि बताइए मोलस्का डिप्लोब्लास्टिक है या फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो आपको डिप्लोब्लास्टिक सोचने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मोलस्का प्लैटीहेलमिंथीज के बाद आता है और वहां पे कौन सा मिलेगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। जैसे कि इंसान में एक बार हाथ पैर आंख नाक सबका डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया ना, तो वो सभी आने वाली सारी फ्यूचर ह्यूमन जनरेशन में मिलेगा क्योंकि वो हो चुका है स्टार्ट, ठीक है, इवोल्यूशन हो गया, एडवांस फीचर आ गया, तो वो सभी में मिलेगा। सेम यहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लैटीहेलमिंथीज में एक बार स्टार्ट हो गया, इसके बाद सारे फाइलम सारे ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, नो डाउट, नो एक्सेप्शन, नथिंग, ठीक है। यस, बिल्कुल जी, अब आपको रिपीट कर दिया है, आई होप कि अभी तक क्लियर हो गया होगा। जल्दी से मुझे थम्स अप और प्यारा प्यारा अपना दिल अपना सपोर्ट दे दीजिए कि यस मैम क्लियर, ताकि मुझे भी तो पता लगे कि भाई पढ़ाया हुआ क्लियर हो गया है। Is that clear, my dear? Is that clear? Yes. Yes, my dear. ठीक है? हाँ, तो हो गया जी, चलिए तो ये हमारा हो चुका है, अब आगे बढ़ते हैं। और चौथा जो हमारा फीचर है वो सिलोम है, तो सिलोम की बारी यही है। सिलोम की सबसे सबसे बहुत ही बेसिक मीनिंग जो है वो सिलोम का कैविटी होती है, कि बॉडी में अगर कैविटी प्रेजेंट है तो वो ऑर्गेनिज्म सिलोमेट होते हैं, बॉडी में अगर कैविटी प्रेजेंट नहीं है तो वो ऑर्गेनिज्म एसिलोमेट होते हैं, ठीक है, इतनी सी बातें हम करेंगे। तो यहाँ पे तीन टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट एंड सिलोमेट, तो याद रखनी है। अब देखिए, मान लीजिए आप डॉक्टर बन गए, फ्यूचर डॉक्टर हैं आप डॉक्टर बन गए, आप फिर से डेड बॉडी है, डेड बॉडी का पूरा पोस्टमार्टम कर रहे हैं और यहाँ से आपने बॉडी को कट कर लिया, कट करके आप ऐसे देख रहे हैं, झांक रहे हैं, देखिए इमेजिन करिए कि आपने कट कर लिया, कट करके आपने स्किन को ऐसे खींचा, आपने खोल दिया बॉडी को, अब आप देखोगे कि वहां पे एक कैविटी है, ठीक है, वहां पे एक प्लेस है, खाली खाली जगह है, उसी खाली जगह में सारे ऑर्गन्स जो है वो सिचुएटेड है। जैसे कि आपने स्केलेटन देखा है, तो स्केलेटन के अंदर रिब्स के अंदर खाली जगह होती है, ठीक है, और जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है उसके फ्रंट साइड में, बैक साइड में, लेफ्ट राइट में खाली जगह होती है कि नहीं होती बताइए, ठीक है, तो उस खाली जगह में सारे ऑर्गन्स जो हैं वो प्लेस्ड हैं, हार्ट प्लेस है, लंग्स प्लेस्ड हैं, इसके बाद स्टमक है, इंटेस्टाइन है, किडनीज हैं, सारे के सारे, लिवर है, सारे के सारे ऑर्गन्स जो है वहाँ पे प्लेस्ड हैं। उसी कैविटी को हम बोलते हैं सिलोम, उसी कैविटी को, उसी खाली जगह को हम क्या बोलते हैं, सिलोम। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे एक ह्यूमन का एक छोटा सा ना स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यस डियर, यस धनंजय, क्या बात है, बहुत सारा प्यार मिल रहा है, यस यस यस, बहुत सारा प्यार मिल रहा है। चलिए तो मैं एक अपनी एक प्यारा सा ना यहाँ पे ह्यूमन बीइंग बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये मेरी शक्ल है, वैसे इतनी गंदी तो शक्ल नहीं होनी चाहिए, पर फिर भी मान लेते हैं कि ये मेरी शक्ल है, ये बंदा हंस भी रहा है, ये इसकी नाक है, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं हर इंसान को, ठीक है, यहाँ से इसके हाथ है लाइक दिस, ठीक है, यहाँ से इसके हाथ हैं, यहाँ से ये इसके पैर हैं लाइक दिस, ये इसने जूते पहने हुए हैं और ऐसे कुछ। चलिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्किन हम इसकी बना रहे हैं, तो ये देखिए ये इसकी लेयर है, ठीक है, जैसे अपना साइड देख लीजिए तो ऐसे ये इसकी लेयर्स हैं, ये बॉडी लेयर्स हैं, आपको याद आ रहा है बॉडी लेयर्स भी आपको याद आ रहा होगा कि एंडोडर्म, मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म, सेम यहाँ पर ये लेयर्स हैं, बॉडी लेयर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हॉलो कैविटी है, इसी हॉलो कैविटी में तो ईसोफेगस आ जाता है, ट्रेकिया आ जाता है, इसके बाद फिर आपका स्टमक आ जाता है, ठीक है, पैन ही नहीं चल रहा है, स्टमक आ जाता है, इसके बाद इंटेस्टाइन आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे लंग्स भी आ जाते हैं लाइक दिस, लंग्स आ जाते हैं, यहाँ पे लिवर आ जाता है लाइक दिस, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे किडनीज आ जाते हैं, यहाँ पे हार्ट भी बना हुआ है, तो मैं रेड कलर से यहाँ पे हार्ट बना देती हूँ, यहाँ पे हार्ट बना हुआ है, ये हार्ट बना हुआ है। तो ये जो दोनों साइड, जो बॉडी की दो साइड है, लेफ्ट राइट साइड, उसके अंदर जब आप जाओगे खोल के, तो जो होलो कैविटी है उसी को सिलोम बोलते हैं, और वहीं पे सारे के सारे ऑर्गन्स जो हैं सिचुएटेड हैं। लेकिन लोअर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, मतलब जो एनिमल्स होते हैं, आइडिया जो एनिमल्स होते हैं, जैसे कि आपके हो गए निडेरिया, पॉरीफेरा, ठीक है, प्लैटीहेलमिंथीज, जहां जहां पे ऑर्गन्स प्रेजेंट है ही नहीं, जब वहां पे ऑर्गन्स ही नहीं है तो भैया वहां पे तो
सवाल ही नहीं पैदा होता है स्लॉम का, ठीक है, क्योंकि स्लॉम तो तभी बनने की जरूरत हुई थी ना जब बहुत सारे ऑर्गन्स बॉडी के अंदर आ गए थे, तभी तो स्लॉम की जरूरत पड़ी थी। तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं एस्लोमेट। एस्लोमेट जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं प्लैटीहेलमिंथस फ्लैटवर्म, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गन्स नहीं होते हैं, यहाँ पे स्लॉम कैविटी की जरूरत नहीं है। तो एस्लोमेट में एक्टोडर्म होता है, मीजोडर्म होता है, एंडोडर्म होता है और डाइजेस्टिव कैविटी होती है, लेकिन स्लॉम नहीं होता है, ठीक है। दूसरी कैटेगरी है तो आपका है, दूसरी कैटेगरी आती है आपकी सूडोस्लोमेट की। तो सूडोस्लोमेट में क्या होता है डियर, कि एक्टोडर्म है, मीजोडर्म है, एंडोडर्म है और यहाँ पर स्लॉम कैविटी की बजाय, खाली जगह, मतलब कुछ पैचेस यहाँ पे मिलते हैं, लाइक दिस कुछ पैचेस यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, जेली लाइक पैचेस यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे फॉल्स जो है स्लॉम मिलती है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉल्स स्लॉम, मजाक मत बनाना, ठीक है, डायग्राम का मजाक मत बनाना, यस डायग्राम का मजाक मत बनाना, कभी आप मजाक बनाने लग जाओ। तो ये क्या है डियर, फॉल्स स्लॉम है, मतलब स्लॉम जैसी दिखती है पर स्लॉम होती नहीं है। कहता ना कि दूर से देखा तो तुझे लग रहा था कि मेरा महबूब आ रहा है, पास आके देखा तो लग रहा था कि भैंस आ रही है, ठीक है। तो एक ऐसे मैंने यहाँ पे जोक मार दिया जिस पर किसी को हंसी नहीं आने वाली है। तो यहाँ पे देखो, देखने में ऐसी लगती है जैसे कि स्लॉम प्रेजेंट है, लेकिन एक्चुअली स्लॉम होती नहीं है, अपीयरेंस उसकी ऐसी होती है। तो इस तरह के सूडो का मतलब होता है फास्ट, जैसे कि सूडोपोडिया हो गया, ठीक है, सूडो सेगमेंटेशन हो गया, तो यहाँ पे सूडो का मतलब फॉल्स होता है। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो है, एनिमल है, वो राउंड वॉर्म है, एस्कैरिस में आपको, अब यहाँ पे देख रहे हो इवोल्यूशन, पहले स्लॉम थी ही रही, फिर स्लॉम का धीरे धीरे डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसके बाद जब स्लॉम कैविटी डेवलप हो गई और पहली बार स्लॉम कैविटी जो डेवलप होने को आपको देखने को मिलती है वो एनिलिडा में देखने को मिलती है। माइडियर किसमें देखने को मिलती है, एनिलिडा में, ठीक है, यस एनिलिडा में देखने को यहाँ पे मिलती है। अब मैंने फिर से वही ट्रिक आपको बता रही हूँ, अगर किसी फाइलम पे एक बार कोई भी एडवांस फीचर डेवलप हो गया तो आने वाली सभी फाइलम में कॉर्डेटा तक वो फीचर बना रहेगा, लगातार रहेगा विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो आपको क्या याद रखना है, आपको एक ही ट्रिक याद रखनी है कि कहां पे स्लॉम डेवलप हुई है, ठीक है, स्लॉम डेवलप हुई है आपकी एनिलिडा में, तो एनिलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक स्लॉम बनी रहेगी। अब आपको कुछ भी रटने की जरूरत है ही नहीं कि मोलस्का में स्लॉम होती है या नहीं होती, इकाइनोडर्मेटा में स्लॉम होती है या नहीं, आपको रटने की जरूरत ही नहीं है, आंख बंद करके बिना सोचे समझे यस बनी रहेगी, क्योंकि स्लॉम इज अ एडवांस फीचर, वो सभी में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एनिलिडा में पहली बार स्लॉम जो है वो डेवलप हो चुकी थी, स्लॉम इज अ कैविटी, तो दिस इज द कैविटी जहाँ पे सारे के सारे हमारे ऑर्गन्स जो है वो सिचुएटेड होते हैं। तो स्लॉम फिर स्लॉमेट एनिमल आपके मोलस्का हो गया, एनिलिडा हो गया, अर्थ्रोपोडा हो गया, इकानोडम्स हो गया, हेमिकॉर्डेट्स हो गया, कॉर्डेट्स हो गया, मतलब सारे एनिमल जो है एनिलिडा के बाद स्लॉमेट होते ही होते हैं। तो अब मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट से बता दीजिए कि आज की क्लास में आपको कितनी चीजें आसान हो गई हैं, ठीक है, यस बिल्कुल क्या बात है, स्वप्निल तो मुझे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, कमाल है आपकी नॉलेज को, बहुत बढ़िया नॉलेज, बहुत बढ़िया, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। पर हम जो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं डियर, बेसिक से एडवांस पढ़ाएंगे ताकि हमारे 22 और 23 के सारे बच्चे इसको अच्छे से समझ सकें। अब मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आज की क्लास में आपको कितना ज़्यादा मदद मिली है समझने में। यस दिलजीत, यस माई डियर, यस बताइए, जल्दी से पहले लाइक कर दो सेशन को सारे बच्चों, जल्दी लाइक करो और मुझे बताइए कितनी हेल्प मिली आपको, गिव मी प्यारे बच्चे जल्दी से थम्स अप बताइए और बताइए कितनी हेल्प मिली आपको। यस दिलजीत बताइए, आपको आज की क्लास में इजी हुआ, मेरी क्लास से पढ़ने के बाद आपको इजी लगी चीजें, इजी लगी या नहीं लगी, आपको एक ट्रिक समझ आई, ट्रिक क्या है, किसी लेवल पे अगर कोई एडवांस फीचर डेवलप हो गया है तो आगे जाके आपको रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो फीचर चलता रहेगा, ठीक है। ओह वेरी गुड माय डियर, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। तो आपकी इसी समझ के लिए मेरी तरफ से तालियां। तो आपको अब यहाँ पे एग्जांपल याद रखना है, एस्लोमेट प्लैटीहेलमिंथस क्योंकि स्लॉम नहीं है, ऑर्गन्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, सूडोस्लोमेट राउंड वर्म्स क्योंकि वहां पे
पैचेस में जो है वो स्लॉम कैविटी या फिर आप बोल सकते हो मीजोग्लिया जो है वो प्रेजेंट होती है वहां पर, मीजोग्लिया, इसको मीजोग्लिया बोलते हैं, मीजोग्लिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर स्लोमिड जो है यहाँ पे तीनों लेयर्स मिलती हैं प्लस कैविटी मिलती है, वो आपके एनलिडा में स्टार्ट हो गया, एनलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक सभी में मिलने वाला, ठीक है जी। तो यू कैन से कि आप स्लोम दिखती कैसे है, मान लीजिए कोई अर्थवर्म आपको मिल गया है, ठीक है, प्रैक्टिकल आप कर रहे हो तो आपने अर्थवर्म काटा, तो अर्थवर्म में देखिए बॉडी कवरिंग आपको मिलेगी एक्टोडर्म से लेकर एंडोडर्म तक सारी की सारी मिलेगी, मेसेंट्री यहाँ पे मिलती है। तो ये टिश्यू लेयर है जो कि स्लोम को, क्योंकि स्लोम को भी एक लेयर जो है वो सराउंड करती है, तो यहाँ पर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है तो वो कैविटी जहाँ पे सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, स्लोम बोलते हैं, ठीक है जी। ओके जी, यस यस माय डियर, थैंक यू, शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब हमारे जो दो चार फीचर हमारे रह गए हैं तो वो फीचर हम यहाँ पे कर लेते हैं। अच्छा स्लोम हो गया ना हमारा, चलो एक और फीचर है हमारा, वो है सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन, ठीक है जी, सेगमेंटेशन क्लियर है। और एक और फीचर है हमारे यहाँ पर नोटोकोड, नोटोकोड को ज्यादा हम पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी एक ही लाइन है। तो सेगमेंटेशन में क्या है कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो सेगमेंट में डिवाइड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। जैसे कि नॉन सेगमेंटेड जो होते हैं आपके कौन कौन से होते हैं बताइए, नॉन सेगमेंटेड, नॉन सेगमेंटेड, और सेगमेंटेड। अच्छा पहली बार सेगमेंटेशन जो देखने को मिला था वो एनलिडा में देखने को मिला था, एनलिडा में, आपको याद रखना, ठीक है, एनलिडा में सेगमेंटेशन। अच्छा सेगमेंटेशन को लेके सवाल बहुत ज्यादा आता है, वो इसलिए आता है क्योंकि सेगमेंटेशन कहीं पे आपको नजर आता है कहीं पे नजर नहीं आता। एनलिडा में सेगमेंटेशन होता है, कॉर्डेटा में सेगमेंटेशन होता है, ठीक है, होता है। इसके बाद लेकिन अगर आप जाते हैं मोलस्का में, वहां पे सेगमेंटेशन नहीं मिलता है, मोलस्का में सेगमेंटेशन नहीं है, मोलस्का आर द नॉन सेगमेंटेड बॉडी। आर्थ्रोपोडा में सेगमेंटेशन होता है, आर्थ्रोपोडा में सेगमेंटेशन होता है। तो ये सारी सेगमेंटेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ये कहीं पे देखने को मिलता है कहीं पे देखने को नहीं मिलता, ये चीजें आपको याद रखनी, ठीक है जी, क्लियर है। तो यहाँ पे एनलिडा में होता है, आर्थ्रोपोडा में होता है। इसके बाद एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हमको दिखता तो ऐसा है कि जहाँ पे सेगमेंटेशन है लेकिन वहां पे सेगमेंटेशन होता नहीं है, मतलब अपीयरेंस है, और उस ऑर्गेनिज्म का नाम है, उस एनिमल का नाम है लैटियर। क्या नाम है बताइए, प्लैटीहेलमिंथीस, क्लियर है जी, बिल्कुल दिलजीत आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन आपको एनलिडा में देखने को मिलता है। मेटामेरिक का मतलब है कि बॉडी जो है एक्सटर्नली एंड इंटरनली कंप्लीटली इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स एक्सटर्नली एंड इंटरनली, मतलब बाहर से भी देखिए इस तरीके से आपका होता है ना, इस तरीके से अर्थवर्म, तो बॉडी जो है बाहर से भी सेगमेंट्स में डिवाइड हुई नजर आ रही है और अंदर से भी बॉडी डिवाइड होती है। तो इस तरह के सेगमेंटेशन को हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं, मेटामेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। लेकिन प्लैटीहेलमिंथीस एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है, ऐसे एनिमल है जहां पे सेगमेंटेशन ट्रू नहीं होता है, वहां पे सूडो सेगमेंटेशन आपको देखने को मिलता है। कई बार यहाँ से नीट में एक क्वेश्चन आया है, प्लीज मार्क दिस क्वेश्चन, प्लीज मार्क दिस पॉइंट, इजी है लेकिन जब आप एग्जाम में कर रहे होते हैं तो आपके दिमाग से निकल जाता है। तो सूडो सेगमेंटेशन जो है वो प्लैटीहेलमिंथीस शो करते हैं। अब सूडो सेगमेंटेशन का मतलब ये है कि प्लैटीहेलमिंथीस को टेप बॉम बोलते हैं, टेप की जैसी स्ट्रक्चर होती है, बहुत ही फ्लैट होते हैं, बहुत ही थिन होते हैं, तो ऊपर से तो वो इस तरीके से नजर आते हैं। देखिए मैं यहाँ पे ना डायग्राम बना के दिखा देती हूँ आपको, पेन का गया, यस ये देखिए मेरी बात यहाँ पे देखिए, देखिए ऊपर से तो इस तरीके से वो नजर आते हैं कि वो सेगमेंट में डिवाइडेड है लाइक दिस, लेकिन जब उनको हम अंदर से ओपन करते हैं तो वो इंटरनली सेगमेंट में डिवाइड नहीं होते हैं क्योंकि वहां पे स्लोम कैविटी है ही नहीं। अगर स्लोम कैविटी नहीं है तो इंटरनल डिवीजन उसका नहीं होगा, ठीक है। इसी वजह से वहां पे फॉल्स सेगमेंटेशन आपको देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फॉल्स सेगमेंटेशन, एंड आई रियली होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। फॉल्स सेगमेंटेशन आपको प्लैटीहेलमिंथीस में देखने को मिलता है, सूडो सेगमेंटेशन जिसको हम बोलते हैं,
एंड द लास्ट इज नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड जो है अगर प्रेजेंट है तो उनको हम बोलते हैं कॉर्डेटा, ठीक है, प्रेजेंट है और एब्सेंट है, प्रेजेंट है तो कॉर्डेटा और एब्सेंट है तो नॉन कॉर्डेटा, ठीक है जी। तो ये हो गया आज का कंप्लीट डिवीजन। बिल्कुल जी, बिल्कुल दिलजीत ने आपने सही बोला है, एंड गेमर ने भी सही, स्वप्निल ने भी बिल्कुल सही बोला है। चलिए सारी बातें आज की क्लियर हो चुकी है, सारे बच्चे मुझे एक बार थम्स अप दे दीजिए। तो बताइए फाइलम पॉलीफेरा आज स्टार्ट करना है या कल की क्लास में भी कर सकते हैं, इफ़ यू आर कंफर्टेबल। सो आज हमने सारा बेसिक कवर कर लिया है, सारी बेसिक की नॉलेज हो गई है, कल की क्लास में हम पॉलीफेरा, इसके बाद हमारा निडेरिया भी हम कवर करेंगे कल की क्लास में, कल की क्लास में हम फिर टीनोफोरा भी कवर करेंगे, ठीक है। तो टेल मी प्लीज, लेट मी नो यू आर कंफर्टेबल, क्योंकि एक्चुअली आई एम वेरी डी एनर्जेटिक राइट नाउ एंड आई एम डैम हंग्री। सो आई एम सो सॉरी कि आज की क्लास में हम यहाँ पे साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, ये क्या है मैंने सुना है, आपको कुछ पता है इसके बारे में, सारी चीज़ें डियर हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड आई रियली होप कि आज की क्लास में आपको बहुत कुछ समझ आया होगा, बहुत सारी चीज़ें आज की क्लास में आपने सीख ली होंगी और वो हमेशा याद रहने वाली है। आई रियली विश कि इन चीज़ों को आप कभी नहीं भूलें और एग्जामिनेशन में उस चीज़ को बहुत अच्छे से आप अटेंड करें, ठीक है जी। ओके, यस 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 यस। तो भाई सारे बच्चे मुझे एक बार थम्स अप जरूर दे दीजिए कि यस मैम वी आर रेडी फॉर टुमारो, सारी चीज़ें कल की क्लास में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। आई रियली नीड योर सपोर्ट। इससे पहले कि आप हमारी क्लास छोड़ें, हम यहाँ पे अनअकैडमी के सारे बैचेस के बारे में एक बार आपको रिमाइंड करा देते हैं। अनअकैडमी के सारे बैचेस जो हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, प्लस और आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन हमारे स्टार्ट हो गए। अगर आप अभी इसी टाइम आने वाले एक दो दिन में या फिर आज अगर आप यहाँ पे प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो जो टोटल अमाउंट है वो है आपका 38,500, लेकिन इस पे भी आपको 10% डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाता है, 10% डिस्काउंट यहाँ पे मिलता है अगर आप यहाँ पे करते हैं मेरा कोड इस्तेमाल, दैट इज JSNEET, ठीक है। और अभी एक और चीज़ है, यहाँ पे एडिशनल 10% डिस्काउंट भी आपको मिलेगा, दिस इज एडिशनल 10% डिस्काउंट, और इसी एडिशनल 10% डिस्काउंट को आप 15% डिस्काउंट में बना सकते हैं अगर आप आने वाले संडे को अनअकैडमी का कॉम्बैट टेस्ट लिखते हैं। तो टोटल इस अमाउंट पे आपको मिल जाता है 20% डिस्काउंट, और इसके बाद जो अमाउंट रह जाएगा ये 31,500 इतना अमाउंट रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो इट्स वेरी वेरी अफोर्डेबल, पॉकेट फ्रेंडली, बहुत ही कम प्राइसेस में आपको पूरे साल का पैकेज मिल रहा है। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो अनअकैडमी का प्लस का सब्सक्रिप्शन होता है वहाँ पे आपको लाइक थ्रू आउट द ईयर आपको अनलिमिटेड क्लासेस मिलेंगी, चाहे आपकी लाइव क्लासेस हो, रिकॉर्डेड क्लासेस हो, स्पेशल क्लासेस हो, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको वहाँ पे मिलते हैं, PDF की फॉर्म में आपको नोट्स वहाँ पे मिलते हैं, PDF नोट्स आपको मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको मिलते हैं। एंड दैट इज रियली 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 वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो स्टडी है पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक अगर कंप्लीटली स्ट्रक्चर्ड है, डिजाइंड है और यू नो प्री प्लान्ड है सारी स्ट्रेटजी, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ उसी तरीके से डिजाइन की गई ताकि आपको नीट के एग्जामिनेशन में आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए, तो यू कैन गो फॉर दिस सब्सक्रिप्शन, बिकॉज आपको इस टाइम पे कोई भी चांस नहीं लेना चाहिए, स्पेशली वो बच्चे जिनको ऐसा लगता है कि इस बार उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैं उन लोगों से सच में ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि आपको कोई भी नेगेटिव चांस नहीं लेना चाहिए, गो फॉर सब्सक्रिप्शन, ताकि आप आने वाले साल में कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी डेवलप ना करें जिससे कि आपका फिर से सिलेक्शन नहीं हो। सारी गारंटी और सारे पॉसिबल पॉजिटिव वेज को आप चूज करिए। इस दिस अमाउंट इज रियली रियली वेरी स्मॉल, जब आपको सक्सेस मिल जाएगी तो ये अमाउंट कुछ भी मैटर नहीं करता है, लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिली तो आप जो फ्री में पढ़ाई करने की सोच रहे थे जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन दोबारा नहीं हो पाएगा, वो आपको जिंदगी भर के लिए पे करना पड़ेगा, बिकॉज टाइम इज वेरी प्रीशियस, ठीक है। सो डू नॉट लूज दिस टाइम, डू नॉट लूज द चांस, गो फॉर सब्सक्रिप्शन। एंड यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, यू कैन ट्राई दिस नंबर, यू कैन टॉक अबाउट द, यू कैन आस्क अबाउट लोन, क्योंकि लोन में जो आपका पेमेंट है वो बहुत ही कम हो जाएगा, पर मंथ आपको सिर्फ और सिर्फ 3,208 या फिर इससे भी कम अमाउंट आपका आएगा पर मंथ आपको पे करने के लिए। लीडर बैच हमारे स्टार्ट हुए हैं जिसमें कि सारे के सारे टॉप एजुकेटर्स हैं, तो 20 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। यू कैन गो फॉर दिस बैच, यू कैन ज्वाइन दिस बैच, अचीवर्स बैच डेफिनेटली, ये सारे के सारे हमारे फ्यूचर अचीवर्स के लिए बनाए हैं, जितने भी बच्चे नीट में एक अच्छी रैंक लाने वाले हैं उनके लिए बनाए यहाँ पर, और यहाँ पर भी टॉप एजुकेटर्स आपके अवेलेबल है। मेडिको बैच भी यहाँ पे ऋतु मैम हैं एंड रमन पटेल सर हैं, यहाँ पे अनुराग तिवारी सर हैं,
तो सारे के सारे यहाँ पर भी टॉप एजुकेटर हैं। 22 सितंबर से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। डू नॉट लूज एनी चांस, डू नॉट लूज होप, जस्ट कीप वर्किंग, कीप स्टडिंग एंड यू जस्ट बाय वन कोर्स, जिससे कि आपकी ना तैयारी यू नो इंश्योर रहे, श्योर तैयारी आपकी रहे, कोई भी लूप होल उसमें नहीं रहे, कोई भी फॉल इसमें नहीं रहे। एम्स रैंकर बैच, क्या बात है, ये बैच तो बहुत ही खास बैच है, स्पेशली जो बच्चे एम्स का सपना देखते हैं। यहाँ पे आनंद बनी सर हैं, 15 अगस्त से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। नीट ड्रीम बच, जिनका सच में सपना है कि उनको नीट क्वालिफाई करना है, उनको डॉक्टर बनना है, दिस बैच इज रियली रियली वेरी यूजफुल फॉर दीज पीपल, क्योंकि यहाँ पे सारे टॉप एजुकेटर हैं। विशाल तिवारी सर, गरिमा मैम, गौरव सर, गार्गी मैम, ऑल दीज आर अवेलेबल। 17 सितंबर से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। आदित्य बैच, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड बैच। और यहाँ पे भाई ये ऑफर आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है, एंड ट्रस्ट मी ये ऑफर इस हफ्ते खत्म हो जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप हफ्ते के एंड तक का वेट कर लीजिए, ये ऑफर 20% का जो है वो खत्म हो जाएगा। अगर आपको सच में मनी सेविंग चाहिए और बहुत अच्छी पढ़ाई चाहिए, गो फॉर द सब्सक्रिप्शन राइट नाउ। यहाँ पे आइकॉनिक प्लस, यहाँ पे CBSE बोर्ड और नीट दोनों की तैयारी जो है वो साथ में कराई जाती है। और ये बात मैं कैसे भूल सकती हूँ, अनअकैडमी का मेगा कॉम्बैट इज बैक भैया। यहाँ पे 28 क्वेश्चन, 60 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है। 22 और 23 के बच्चों के टारगेट यहाँ पे किया जा रहा है, मतलब उन बच्चों को स्कॉलरशिप दिलाने का काम अनअकैडमी ऐसा कराती है। एक टेस्ट लेती है, वो भी फ्री में, देख रहे हो, मतलब देख रहे हो किस प्लेटफॉर्म पे ऐसा होगा कि फ्री में टेस्ट दीजिए, स्कॉलरशिप पाइए। अमेजिंग, दिस कॉन्सेप्ट इज रियली अमेजिंग। फ्री में आपको टेस्ट लिखने को मिलेगा, और फ्री में लिखने के बाद आप पैसे जीत सकते हैं, मतलब आप अमाउंट जीत सकते हैं, स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। तो बी रेडी फॉर दिस टेस्ट, मेगा कॉम्बैट टेस्ट हमारा ये है। यहाँ पर कैलेंडर में मार्क करके रख लीजिए, इस दिन को बिल्कुल नहीं भूलना है। 11, 12th और ड्रॉपर जो है उनके लिए सेपरेट टेस्ट यहाँ पे होने वाला है, अभी इनरोल कर लीजिए। फ्री में इनरोल करने को आपको मिलेगा, लेकिन एक कोड मांगा जाएगा, तो यू कैन यूज फ्रीली, यू कैन यूज माई कोड JSNEET, इसी कोड से आप ये अनअकैडमी का फ्री टेस्ट लिख सकते हैं। एंड डेफिनेटली इसी टेस्ट से आप, एक चीज जो यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गई हूँ, एंड ट्रस्ट मी दैट इज वेरी वेरी स्पेशल फॉर यू, वन सेकेंड, अगर आप ये कॉम्बैट टेस्ट लिखते हैं, कहाँ गया मेरे पेन, अगर आप ये मेगा कॉम्बैट टेस्ट लिखते हैं, तो हर एक कॉम्बैट टेस्ट लिखने वाले बच्चे को, एवरी टेस्ट गिवर को, एवरी टेस्ट टेकर को या एवरी टेस्ट गिवर को, यहाँ पे हर बच्चे को 15% डिस्काउंट मिलेगा प्लस के सब्सक्रिप्शन में। आपकी रैंक कुछ भी आए, अगर आप टेस्ट लिखते हैं, आपकी रैंक कुछ भी आए, कुछ भी मार्क्स आए, एडिशनल 15% स्कॉलरशिप डिस्काउंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा आपके सब्सक्रिप्शन में। एंड दिस इज द वन टाइम अपॉर्चुनिटी, दिस इज द वन टाइम ऑफर, ये आपकी लाइफ में वापस नहीं आने वाला है। तो इफ यू आर रियली विलिंग टू टेक सब्सक्रिप्शन, यूज ऑल थ्री थिंग्स, यूज माई कोड JSNEET, आपको यहाँ पे बता दिया मैंने, राइट द कॉम्बैट टेस्ट ताकि और डिस्काउंट मिल जाए, एंड ऑलरेडी अनअकैडमी आपको 10% डिस्काउंट दे रही है। सो यूज ऑल थ्री एंड अपने इतने बड़े प्राइस को इतना सा कर लीजिए, मतलब अमाउंट को, और डेफिनेटली एक क्वालिटी वाली एजुकेशन को अटेंड करिए पूरे साल, ताकि आपकी नीट की जो भी जर्नी है वो सक्सेसफुल हो जाए, आपको रिग्रेट नहीं हो ईयर के एंड में कि हमने एक साल फिर से खो दिया, फिर से बर्बाद कर दिया। डू नॉट डू दिस, डू नॉट रिपीट दिस जो आपने लास्ट टाइम किया है, लास्ट ईयर किया है। ओके, चलिए डियर, एंड वंस अगेन, अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया अन अकेडमी पे, तो आपके डिस्क्रिप्शन में मेरी प्रोफाइल का लिंक दिया हुआ है, जल्दी से जाके मुझे फॉलो कर लीजिए, ताकि मेरी सारी की सारी फ्री स्पेशल क्लास का आपको नोटिफिकेशन आने लग जाए। एंड दिस इज माई फ्री स्पेशल क्लास, आप इस तरीके से मेरी एक क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, गो टू नीट यूजी कैटेगरी, सर्च ज्योति शर्मा, और मुझे आप वहाँ पे फॉलो भी कर सकते हैं। कहाँ गई मैं, फॉलो कर सकते हैं मुझे वहाँ पे, और फॉलो करने के बाद ये मेरा कोड है, इस कोड को आप रट लीजिए, दिमाग में फिक्स कर लीजिए, कैलेंडर पे लिख लीजिए, ये कोड ऐसा कोड है जो आपको हर चीज़ फ्री में दिला सकता है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड प्लीज हिट द लाइक बटन, लाइक करिए, बहुत सारे अपने दोस्तों को शेयर करिए, कमेंट करिए कि आज को आपकी क्लास में कितना मजा आया, कितना कुछ सीखने को मिला। एंड इसी के साथ अब आपसे लेते हैं हम विदा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू सो मच अटेंडिंग, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ, क्योंकि फ्री में ये आपके लिए अवेलेबल है, फ्री कोर्स है, फ्री सेशन है,
तो भाई जितने ज्यादा लोगों के साथ आप शेयर करते हो जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि सबको फ्री में पढ़ने का चांस मिले, ठीक है। यस माय डियर, हाय स्टीला, यस स्टीला, हाय, हाउ आर यू माय डियर, ओके, इट्स नॉट सर, इट्स मैम, ठीक है डियर। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, सी यू टुमारो, आपको मिलते हैं कल सुबह 11 बजे। मैं मेरी यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग भी देख लीजिए, मेरी कल जो क्लासेस होंगी सुबह 11:30 बजे मेरी एक क्लास होगी, दूसरी क्लास इसी टाइम पर रहेगी मेरी 7 PM। ये मेरी है YouTube क्लासेस का, ठीक है, YouTube क्लासेस मैं कल की स्लाइड में यहाँ पे ऐड कर दूंगी कब कब होती हैं। तो दीज आर द यू नो शेड्यूल ऑफ YouTube क्लासेस, आप मेरी सारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। YouTube क्लासेस आर गोइंग टू बी वेरी वेरी अमेजिंग एंड वेरी स्पेशल, सो डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन द सेशन, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिले, एंड डेफिनेटली थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं आपको कल 11 बजे, टिल द टाइम बाय बाय, टेक केयर, वेरी गुड, थैंक यू, बाय बाय।